नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो फर्स्ट में एक चीज आपको कहना चाहता हूँ कि आज का जो वीडियो है और आज का जो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको बहुत सारे चीज सीखने को तो मिलेगा ही, साथ ही साथ कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए उसके ऊपर मैं कुछ रिप्लाई भी देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है जोमाटो। देखिए, जोमाटो के ऊपर बात करूँ तो जोमाटो इंडिया के नंबर वन फूड सर्विसेज कंपनी है, सॉरी माफी चाहता हूँ, फूड डिलीवरी कंपनी है। तो यहाँ पे फूड सर्विसेज कहना गलत होगा, फूड सर्विसेज वही कंपनी होते हैं जो खुद फ्रूट को प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन भी करते हैं, मतलब प्रोसेसिंग भी करते हैं, उसके बाद डिलीवरी करते हैं, तो उसको फूड सर्विसेज कंपनी कहा जाता है। और जो कंपनी दूसरों का खाना सिर्फ डिलीवरी करते हैं उसको डिलीवरी कंपनीज कहा जाता है। जोमाटो एक डिलीवरी कंपनी है, और जोमाटो का जो बिजनेस मॉडल्स है वो शायद मुझे एक रिपोर्ट के माध्यम से भी पता चला कि जोमाटो कुछ अलग लेवल से सोच रहा है और कुछ अलग लेवल से काम करने के लिए वो तैयार भी हो रहा है। तो आप कहेंगे सर अलग लेवल का मतलब क्या है? एक चीज ध्यान से समझना इस चीज को कि आज जोमाटो क्या कर रहा है, हर गली गली तक, हर गांव गांव तक जोमाटो पहुंच रहा है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि हर गांव तक भी जोमाटो पहुंच रहा है, और जोमाटो जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो फ्यूचर में एक बड़ा धमाका इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि उसके पास डेटा है। जिसके पास डेटा है वो आज ऑल ओवर वर्ल्ड में राज करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं एलन मार्क्स, उनका क्या जरूरत था कि ट्विटर खरीदने के लिए, तो ट्विटर खरीदने के लिए उसका कोई क्या जरूरत था, वो तो बिजनेस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर, स्पेसएक्स के ऊपर और अलग अलग कंपनीज के ऊपर। उसको ट्विटर खरीदने क्या जरूरत था, क्योंकि उसको चाहिए था डेटा, उसको चाहिए था डेटा, और वो जानते हैं ट्विटर में ही उसको डेटा मिलेगा जिस डेटा के माध्यम से वो मार्केटिंग कर पाएंगे। आज अमेजन क्या कर रहा है, अमेजन हर घर घर में आपको मतलब प्रोडक्ट पहुंचा रहा है, सस्ते में माल दे रहा है, आपका डेटा कलेक्ट कर रहा है, आपका कस्टमर का डेटा कलेक्ट कर रहा है, और आपको ऑनलाइन का प्रोडक्ट वो बाई फोर्स आपको प्रोडक्ट दिखा रहा है और आपको माल बेच रहा है। तो इसी तरीके से जोमाटो का भी बिजनेस मॉडल मुझे कुछ इस तरीके से लग रहा है। शायद आज वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, आज वो लॉस मेकिंग कंपनी है, फ्यूचर में बड़ा होने का कैपेबिलिटी है, क्योंकि उसके पास अगर डेटा है तो उसको ये पता जरूर चलेगा, जरूर चल चुके हैं और भी चलेगा कि कौन सा एरिया में कौन सा खाना ज़्यादा सेल किया जाता है, मतलब सेल हो रहा है, कौन सा एरिया में लोग खाना ज़्यादा डिमांडेबल है, कौन सा एरिया में कस्टमर ज़्यादा है, कौन सा एरिया में कस्टमर कम है। तो उस बेसिस में फ्यूचर में मुझे लगता है जोमेटो खुद का फ्रेंचाइजी भी खोल मतलब फ्रेंचाइजी भी खोल देंगे, जोमेटो का खुद का अलग अलग रेस्टोरेंट भी खोल देंगे। तो जिस बेसिस में कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस होगा, क्योंकि कंपनी खुद के पास डेटा भी है, अगर उसको फूड सर्विसेज डिलीवरी करना ही है तो उस जगह पे वो कोई मतलब खाने का रेस्टोरेंट भी लगा देंगे, और वो ऑनलाइन भी बेचेंगे ऑफलाइन भी बेचेंगे। तो देखिए इस तरीके से बिजनेस मॉडल्स वो सोच रहा है, तो अभी तक फाइनल नहीं हुआ। और एक दोस्त ने मुझे कमेंट्स किया, सबसे पहले मैं कमेंट्स आपको बता दूं कि एक दोस्त ने मुझे कमेंट किया, सर जोमाटो कितना बड़ा कंपनी है। देखिए मार्केट कैप देखकर आपको अंदाजा तो लग ही चुके हैं कंपनी कितना बड़ा है। अगर मैं इसके डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो आप गूगल में जाकर से टॉप 10 फूड डिलीवरी कंपनी आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे नाम दिखेगा जहाँ पे जोमाटो नंबर वन है। उसके बाद फूड पांडा, उसके बाद देखिए अलग अलग कंपनी है, जो डिलीवरी पो है, उसके बाद उबेर फास्ट है, तो बहुत सारे, बॉक्स 8 है, साथ ही साथ आप देखेंगे स्विगी है, उसके बाद डंजो है जो जो रिलायंस ग्रुप का कंपनी है, पिज्जा हट, बॉक्स, तो इस तरीके से अलग अलग कंपनी दिखेगा। तो इस सारे कंपनी को के साथ कंपेरिजन करूँ तो जोमाटो नंबर वन है, क्योंकि इसका मार्केट कैप सबसे बड़ा है। दूसरी बात, मार्केट कैप अच्छा होने के बाद भी कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, क्योंकि इसके पीछे कारण भी है। एक कारण मैं आपको बता दूं, कंपनी का लॉस मेकिंग होने के कारण कंपनी जो डिलीवरी बॉयज को जो पेमेंट करता था वो कितना था, 35 रुपीज पर डिलीवरी पे वो देते थे, आज वो कम करके 20 रुपीज तक लेके आए। इसका मतलब कंपनी एक्सपेंस को कट किया, और एक्सपेंस को कट करने के बाद ही कंपनी फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या क्या प्रॉफिट किया, और वो भी कितना, 2 करोड़। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे कमेंट किया कि सर 2 करोड़ प्रॉफिट देख कर क्या खुश होना चाहिए। देखिए मैं एक चीज आपको बता दूँ, आपको मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, उस बिजनेस में आपको एक साल में हर मंथ में आपको लॉस हो रहा था, और दूसरे साल में 1 जनवरी मंथ में ही आपको कुछ छोटा सा प्रॉफिट हुआ, कि आपके मन में मतलब खुशियाँ नहीं आएगा कि हाँ मेरे इतने सालों के लॉस मेकिंग कंपनी आज प्रॉफिट में आया है। तो ये बात आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा, जब कंपनी इतने बड़े लॉस करते हैं और उस लॉस को रिकवरी करके कंपनी प्रॉफिट में आया, तो इसका मतलब कंपनी में कुछ ना कुछ तो बड़ा हो रहा है, कुछ ना कुछ तो मैनेजमेंट सोच रहा है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मैं पहले आपको बोला था कि मैंने छोटा मोटा इन्वेस्ट करके रखा, जब कंपनी में लास्ट
नेक्स्ट क्वार्टर्स में भी मुझे प्रॉफिट दिखे, एक साल तक अगर मुझे 4 क्वार्टर्स में प्रॉफिट दिखे तो मैं इस कंपनी के ऊपर बड़ा क्वांटिटी उठाने के लिए सोचूंगा। तो फिलहाल के लिए जितने सारे ट्रेड बना तो भी वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। वो ट्रेड के बारे में बात करूँ तो ध्यान से देखेंगे तो एक अच्छा खासा ट्रेड फिर से बना है। वो ट्रेड क्या है, यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड, उसके बाद एक शोल्डर। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। और यहाँ पे देखिए सर, मैं ब्रेकआउट का इंतजार कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो ब्रेकआउट तो हो चुके हैं। तो ब्रेकआउट के ऊपर कोई कंफर्मेशन कैंडल मुझे चाहिए, तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन मिल जाए तो मैं इसके ऊपर एंट्री लेने वाला हूँ। और जो टारगेट निकल के आएंगे तो वो बहुत बड़ा टारगेट बन के आ सकते हैं। और वो टारगेट कितना है आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो टारगेट निकल के आ रहा है वो टारगेट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं आपको बता दूँ ऑलमोस्ट कितना टारगेट निकल के आ रहा है, तो 58% के आसपास। और वो भी एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब कोई टारगेट बन रहा है और वो भी प्रीवियस हाई के नीचे टारगेट बन रहा है तो हायर पॉसिबिलिटी है उस टारगेट को वो आज नहीं तो कल अचीव करेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि 1 साल के अंदर अचीव हो जाएगा और 2 साल के अंदर अचीव हो जाएगा, अगर 2 साल में भी अचीव हुआ ना तो भी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बन सकते हैं। बाकी आप समझदार हैं उस हिसाब से जरूर काम करिए। मेरा काम था आपको सारी चीज़ों को दिखाना और सारे चीज़ों को समझाना, और बाकी आप एक बार रिसर्च करके काम करेंगे तो और भी आपको सारे स्टेन के बारे में पता चलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनी का मार्केट कैप 17,800 करोड़ के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो ठीक है, कंपनी का आरओसी आरओई में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, फिर भी एवरेज लेवल के आसपास है। और एक पॉइंट में इस कंपनी के बारे में कहना चाहता हूँ कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला, जैसे कंपनी का डेप्थ तो ज़्यादा है, कंपनी का इनकम भी हो रहा है, और जितना कंपनी ने डेप्थ लिया वो क्या पहले भी इतना डेप्थ था। अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ तो पहले कितना डेप्थ था 600 करोड़ के आसपास, और वो आज बढ़ते बढ़ते कितना 2,900 करोड़ तक डेप्थ पहुँच चुके हैं। हाँ ऐसे नहीं कि सर डेप्थ बड़ा है, कंपनी का रिजर्व भी बड़ा है, 500 करोड़ का रिजर्व था वो बढ़ के हो चुके 4,500 करोड़ के ऊपर। तो डेप्थ भी बढ़ा कर्जा भी बढ़ा मत सॉरी रिजर्व भी बढ़ा। अभी कहेंगे सर डेप्थ क्यों बढ़ा, कारण तो बता दीजिए। देखिए एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप पहले प्रॉफिट एंड लॉस को साल भर में देख लीजिए, तो इस बार कंपनी कितना प्रॉफिट किया इसको छोड़ दीजिए, अभी करंट ईयर चल रहा है उसका डेटा है। अगर मैं 2023 का डेटा दिखा दूँ तो 500 चलो 550 करोड़ का प्रॉफिट था, जो पिछले बार 1100 करोड़ का प्रॉफिट था। 50% प्रॉफिट डाउन हुआ सिर्फ यही वजह से जो इसका प्रोडक्ट है स्पेशलिटी केमिकल्स उसका मार्केट में डिमांड कम हो गया, तो उसके चलते ही कंपनी का सेल्स डाउन हुआ, उसके चलते ही कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी डाउन हुआ। अभी कंपनी का तो प्रॉफिट मार्जिन तो डाउन हुआ, प्रॉफिट तो 550 करोड़ है, अभी कंपनी का ट्रेड्स पेबल कितना करना है वो देख लीजिए, ट्रेड्स पेबल कितना 400 करोड़। तो पहले तो 400 करोड़ उसको देना ही होगा और उसको मिटाना पड़ेगा। उसके साथ साथ कंपनी का अगर मैं एसेट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का 900 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट भी मिला। तो सोचिए 400 करोड़ और पेमेंट करना है और 900 करोड़ 940 करोड़ कंपनी को नया प्रोजेक्ट मिला, तो ये सारे पैसा कंपनी को तो इकट्ठा करना पड़ेगा ना, उसको नया प्रोजेक्ट के लिए काम करने के लिए पैसा का जरूरत है, और प्रीवियस जो पैसा ड्यूज है मतलब बाकी से पेमेंट करना है तो वो भी उसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो इतना पेमेंट तो कंपनी नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंपनी के हाथ में तो उतना प्रॉफिट नहीं हुआ, तो इसलिए कंपनी क्या किया कर्जा ले लिया। तो अभी कर्जे के हिसाब से एक चीज में कहूँ तो कर्जा मेरे हिसाब से तो ज्यादा है, फिर भी अगर कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन करते हैं और कंपनी खुद का ग्रोथ को मेंटेन करते हैं तो कर्जा लेना तो आम बात है, हर कोई कंपनी कर्जा लेंगे ही। रही बात एज ए इन्वेस्टर के, तो ध्यान से देखिएगा एज ए इन्वेस्टर मतलब एफएस ने क्या किया, खुद का होल्डिंग्स को बढ़ा दिया, 7.5% से कंपनी का होल्डिंग्स बढ़ के हो चुके हैं 12%। अभी डीएस के बारे में बात करूँ तो जो 15% का होल्डिंग था वो बढ़ के हो चुका है 14%। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट भी देखने को मिला। अभी इसी चीज को मैं ध्यान से इस चीज के साथ डिस्कशन करूँ तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स में देखेंगे तो कंटिन्यूअसली कंपनी के ऊपर सेल ऑफ हुआ, और इसी सेल ऑफ अगर यहाँ पे आपको दिखा दूँ तो एज ए म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, लास्ट कुछ मंथ में बाई किया, फिर से सेल किया, फिर से बाई किया, फिर से सेल किया। एक पॉइंट यहाँ पे आप नोटिस करिए कि सेल जो हो रहा है उससे कई गुना ज़्यादा बाई हो रहा है, कई गुना ज़्यादा बाई हो रहा है, सेल्स मिनिमम और बाई मैक्सिमम हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जितनी गिरते जा रहा है उतने म्यूचुअल फंड माल उठाता जा रहा है। अभी इस चार्ट पैटर्न को ध्यान से देखना तभी आपको सर्वे सारे क्लियर हो जाएगा। जो इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करने के बाद एक बड़ा धमाका हुआ, वही इसका भी सपोर्ट बन चुके हैं। तो सपोर्ट बनने के बाद यहाँ पे जो ट्रेंड बना, यहाँ पे मैं मार्किंग करता हूँ, यहाँ पे जो ट्रेंड बना
वो ट्रेंड एक रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेकआउट करना होगा। अभी इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा तो एक मोमेंटम अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। तो मैं उस दिन के लिए इंतजार कर रहा हूँ जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो मैं कुछ पॉजिटिवली डिसीजन इस कंपनी को लूंगा। तो फिलहाल के लिए कोई भी एंट्री लेवल्स मैंने नहीं लिया। जब एंट्री लेवल्स बनेगा तो मैं एज ए एजुकेशन पर्पज में आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक। तो फाइन ऑर्गेनिक भी एक स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं। तो जो जो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम कर रहे हैं वो सारे कंपनीज का हालत अभी थोड़ा सा वीकनेस में है, क्योंकि मार्केट में डिमांड कम होने के कारण कंपनी का प्रोडक्शन कम हो रहा है, और प्रोडक्शन कम होने के कारण कंपनी का सेल्स डाउन हो रहा है, और सेल्स डाउन होने के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में भी इम्पेक्ट पड़ा है। क्योंकि देखिए कुछ खर्चा तो उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा, जैसे सैलरीज, मतलब जितने सारे एम्प्लॉयज है उसको सैलरीज भी देना होगा, जैसे जहाँ पे वो मतलब फैक्ट्रीज बना के रखा उसका रेंट भी है, उसका खर्चा भी है, उसके साथ साथ उसका डिप्रिसिएशन भी है, उसके साथ साथ मशीनरीज का डिप्रिसिएशन है, उसके साथ साथ जो इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है वो भी उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा जितने सारे खर्चे हैं उस खर्चे को तो उसको हर मंथ पेमेंट करना ही होगा, चाहे आपका सेल्स हो और ना हो। क्या ये कहेंगे कि सेल्स कम हो रहा है तो उसके एम्प्लॉय को क्या ये कहेंगे कि इस बार सैलरी आप मत लो, मैं जब प्रॉफिट होगा तब सैलरी दूंगा? तो जितने सारे एम्प्लॉयज है, जितने सारे मैनेजमेंट का टीम है, वो फटक से कंपनी को रिजाइन लेटर देकर भाग जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, कंपनी इस खराब सिचुएशन में भी किस तरीके से खुद को कंट्रोल कर रहे हैं वो देखना जरूरी है। देखिए सेल्स ऐसे नहीं कहूँगा कि सेल्स नहीं हुआ, सेल्स जो हुआ है वो 200 करोड़ के आसपास कम सेल्स हुआ, और उसी लिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा सा कम हुआ। 200 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था, 214 करोड़, और इस बार वो प्रॉफिट हुआ 140 करोड़। तो प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा तो इम्पेक्ट दिखा, और इसीलिए शायद कंपनी का जो रिजर्व है वो तो अच्छा खासा बढ़ा, मगर कंपनी का बोरिंग्स भी कम हुआ और कंपनी के फिक्स एसेट में उतना ग्रोथ नहीं हुआ। हाँ, एक चीज़ मुझे अच्छा लगा, कंपनी के फिक्स एसेट जितना बढ़ा उसी तरीके से कंपनी का यहाँ पे CWIP भी बढ़ा। अभी CWIP बढ़ा मतलब कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी भी आया। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मार्च 2019 में 106 के आसपास कंपनी का CWIP बढ़ा था। अभी इसी जगह पे कंपनी का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, याद रखिएगा 2019 में मार्च में 2019 मार्च में आपको दिखा दूँ तो 2019 मार्च यहाँ पे चार्ट पैटर्न मैं आपके साथ शेयर करूँ तो कोविड से पहले मतलब 2019 मार्च, चलो मैं आपको एक बार मार्किंग कर देता हूँ। हाँ, 2019 मार्च मतलब इस रेंज में, सोचिए यहाँ पे कंपनी का CWIP बढ़ा था और कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा था, तो सोचिए किस तरीके से धमाका कंपनी ने किया। कोविड के बाद करेक्शन तो हुआ था, उसके बाद कंपनी कहाँ से कहाँ तक लेके गया। अगर मैं स्टार्टिंग पीरियड से अगर टॉप लेवल तक देखो तो ऑलमोस्ट कंपनी आपको 8 times रिटर्न दे चुके हैं, 8 गुना आपको रिटर्न दे चुके हैं। तो क्या फिर से वो कंपनी उसी तरीके से खड़ा हो पाएंगे? तो इसके लिए एक ट्रेड बना यहाँ पे। वो ट्रेड किस तरीके से बना, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद फिर से एक शोल्डर बनाने के लिए तैयार हो रहा है। अगर इस शोल्डर कम्पीट करे तो मुझे लगता है इतना बड़ा शोल्डर का अचीवमेंट हो रहा है तो इसका मतलब छोटा सा और एक शोल्डर बनाएगा। तो जब इस तरीके से शोल्डर बनेगा तो उसको ब्रेकआउट होने के बाद एक एंट्री लेवल्स बन सकता है। अगर एंट्री लेवल्स इसके ऊपर बने तो ऑलमोस्ट 20% का टारगेट मिल सकता है, और जो कंपनीज की हायर लेवल उसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के साथ साथ एक सप्लाई जोन भी है यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से इस लेवल तक जरूर जाएगा। तो बाकी एंटी लेवल्स जब बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो फिलहाल के लिए कोई एंटी लेवल्स नहीं है, जब एंटी बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड पावर जनरेट करने वाला एक सबसे बड़ा कंपनीज है, इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर मतलब ट्रांसमिशन का काम कंपनी करते हैं। तो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया, अच्छा खासा कर्जा थोड़ा ज़्यादा है, फिर भी कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड भी दिया, कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट एंड लॉस को भी मेंटेन किए। इस बार कंपनी हाईएस्ट सेल्स भी किए, उसके चलते कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट भी जनरेट किया, और इसी के चलते कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी किया। अगर अनाउंसमेंट के बारे में बात करें तो 13:1:3 मतलब हर 3 शेयर में आपको 1 शेयर बोनस के हिसाब से देंगे, और वो भी कब देने वाले हैं, 12 तारीख को 12 सितंबर में कंपनी आपको बोनस देने वाला है, और इस बोनस के हिसाब से आपको काम जरूर स्टडी करके काम करना चाहिए। अब इस कंपनी के मैं चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो आप ध्यान से देखिएगा, पावर ग्रिड जो कॉर्पोरेशन लिमिटेड है इसके ऊपर एक चार्ट पैटर्न बना था, मैं आपको ये भी शेयर किया था
कि कंपनीज के ऊपर एक शानदार सा कफ विथ हैंडल बटन्स बना, और यहाँ पे ब्रेकआउट भी कहाँ पे हुआ वो मैं आपको मेंशन किया था। ये बहुत पहले का वीडियो था, मतलब बहुत पहले आपको मेंशन किया था, अप्रैल एक्चुअली फरवरी मंथ में मैं आपको वीडियो बना के दिया था जब काप कंप्लीट हुआ था। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताया कि एक हैंडल जरूर बनेगा और उसके बाद ब्रेकआउट भी होगा, और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन इस कैंडल ने किया। और सोचिए अगर टारगेट टोटल मिलता है, टारगेट मिलता है तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 24% के आसपास टारगेट मिल सकता है। तो इसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ टारगेट के लिए। तो इस एंटी लेवल में माफ़ी चाहता हूँ, आपको मैं टेलीग्राम में अपडेट नहीं दे पाया और मैंने वीडियो भी सिर्फ एक ही बात बना पाया यहाँ पे। उसके बाद जब एंटी लेवल्स हुआ था उसके बाद मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया, और अभी बीच बीच में जो टारगेट के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ तब मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखाता जा रहा हूँ। ये सारी चीज़ मैं इसीलिए आपको बार बार दिखाता रहता हूँ क्योंकि आपको भी पता चले कि इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स और इस तरीके से फंडामेंटल परफॉर्मेंस देखकर ही आपको काम करना पड़ेगा, और इस तरीके से काम करेंगे तो आपको हायर चांसेस है कि अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने का चांसेस भी रहेगा। ऐसे नहीं कि हर कोई कंपनी प्रॉफिट देगा, कुछ कंपनी लॉसेस भी देगा, तो आपका जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस सारे कंपनीज के ऊपर इन्फॉर्मेशन का स्टडी करना, उसके बाद काम करना, क्योंकि ये मेरा एडुकेशन पर्पस में वीडियो था, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है तो आपके सिक्स के हिसाब से करिए, अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आपका ही होगा, लॉस होगा तो आपको ही लेना पड़ेगा। तो मैं खुद के रिस्क के हिसाब से काम करता हूँ, मेरे खुद का रिस्क मैनेजमेंट कैपेसिटी भी है तो उस हिसाब से मैं काम करता हूँ। तो आई होप वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।